आईपीएल 2021 की नीलामी की शुरुआत में अब सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है। बीसीसीआई बहुत जल्दी आईपीएल नीलामी की तारीखों का ऐलान करेगा और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल की 8 टीमों के कुल 40 रिटेन्ड प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बताने वाले हैं। दोस्तों, जो 2020 का आईपीएल हुआ था ना, उससे पहले भी हमने रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट बताई थी और वो जो हमारी लिस्ट थी ना, वो 92% कन्फर्म्ड थी, रियल थी, सही साबित हुई थी। ये लिस्ट भी हमारे हिसाब से सही साबित होगी और आपको तो पता ही है, और इसीलिए बोल रहा हूं इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक जरूर देखिए। रिटेंशन फीस भी बताएंगे। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। अब सीएसके का साल इस साल बहुत बुरा रहा था, पर क्योंकि हमें पता है कि 4 महीने बाद आईपीएल है, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने कप्तान को रिटेन रखा है। सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी लगभग 12.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। बाकी नामों की बात करें तो धोनी के अलावा रायडू, जडेजा, दीपक चहर और फाफ डू प्लेसिस के नाम रिटेंशन में रह सकते हैं, और ये लिस्ट भी आप देख पा रहे होंगे और इनकी रिटेंशन सैलरी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर दोस्तों आपके हिसाब से सबसे बड़ा नाम सरदौल ठाकुर मिस हो रहा है, और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सरदौल ठाकुर, सैम कुर्रन और रुतुराज गायकवाड़ के ऊपर सीएसके की टीम नीलामी में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी। आरटीएम कार्ड पर हमने वीडियो बनाई है और इसलिए बोलता हूं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चेन्नई की तरफ से ये नाम रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि बिग बैश लीग अब शुरू हो चुकी है और आपके पास फिर आईपीएल की तरह खूब सारे पैसे कमाने का मौका है, क्योंकि दादा को हराएंगे तो 3 गुना पैसे कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सौरभ गांगुली ने अपनी टीम बनाई हुई है माई 11 सर्कल ऐप पर, और अगर आप बिग बैश लीग में भी दादा को हरा देते हैं ना, तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का 3 गुना पैसा मिलता है, 3 times पैसा मिलता है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक को खोलेंगे, यहाँ पर आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना पहला पैसा डालेंगे, तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए फ्री में मिल जाएगा, 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, राशिद खान, वॉटसन और दादा खुद यहाँ पर टीम बनाते हैं। पैसे डालना, निकालना, प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, एक ही चीज बोलूंगा आपसे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स खोलिए, माई 11 सर्कल को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और ये जो ऑफर चल रहे हैं सारे उसका फायदा उठा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब दिल्ली की टीम के रिटेन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली की तरफ से जो 5 नाम रहेंगे उसमें श्रेयस अय्यर, जो कि कप्तानी भी करने वाले हैं, कगिसो रबाडा, ऋषभ पंत, शिखर धवन और आर अश्विन रिटेन्ड रहने वाले हैं। इनके सबसे महंगे रिटेन्ड प्लेयर ऋषभ पंत रहेंगे, जिन्हें ये लोग 8 करोड़ रुपए रिटेंशन फीस देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों विकल्प इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले मतलब पिछले दो तीन महीनों से मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की टीम फोकस कर रही है अपने भारतीय खिलाड़ियों पर, और इसीलिए ये अपने भारतीय कोर को रिटेन रखने वाले हैं और कई बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ियों को ये नीलामी में डालकर आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे। फिर बोल रहा हूं आरटीएम कार्ड की वीडियो इसीलिए बोलता हूं, जरूर देखेगा इस वीडियो के बाद। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से दोस्तों इनके लिए भी भारतीय खिलाड़ी को कोर को ही रिटेन करना सबसे बड़ा मकसद रहेगा, क्योंकि इनके पास अनिल कुंबले आ गए और अनिल कुंबले यही करने वाले हैं। तो इनके नाम रहेंगे दोस्तों केएल राहुल, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी और क्रिस गेल। इन खिलाड़ियों को ये लोग रिटेन करने वाले हैं। रवि बिश्नोई, मैक्सवेल और पूरन के ऊपर आपको पता होगा ये लोग आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये लोग नीलामी में बाकी खिलाड़ियों को भेजेंगे। इनका भी अब सेम मकसद बन गया है जो कि दिल्ली का था, जो कि एक जमाने में मुंबई का था, जो कि एक जमाने में चेन्नई का था। पंजाब भी अब उसी राह पर चल रही है, इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करो और अपना कोर डेवलप करो। पंजाब की टीम के बाद दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। केकेआर की तरफ से जो 5 नाम सामने आ रहे हैं उसमें बहुत शॉकिंग नाम नहीं है, सुन लीजिए सारे नाम, क्योंकि पहले नाम है वेन मॉर्गन, दूसरे हैं गिल, एंड्रे रसल है, फिर नीतीश राणा है और वरुण चक्रवर्ती है। इन्हें रिटेन रखने वाली है केकेआर। दिनेश कार्तिक नीलामी का हिस्सा होंगे और ये बात बहुत ज्यादा जग जाहिर पहले से ही हो चुकी थी, जब उन्हें कप्तानी से सो कॉल्ड उनकी ही सहमति पर हटाया गया था। और ये बात मैं बोल चुका हूं आपसे कि दिनेश कार्तिक एज ए बैट्समैन कोई वैल्यू ऐड कर नहीं रहे हैं और एज ए कैप्टन तो उन्होंने एक ब्लंडर भी किया, हालांकि पिछला साल बुरा नहीं था, लेकिन नीलामी में भेजे जाएंगे। अब यहां पर कुलदीप यादव का नाम भी नहीं है, कमिंस नहीं है, त्रिपाठी नहीं है, बाकी सारों पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये 5 रिटेंशन केकेआर की तरफ से रहेगी। केकेआर के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के 5 रिटेन्ड प्लेयर्स की। तो उसमें नाम आ रहा है दोस्तों रोहित शर्मा, फॉर श्योर कप्तान है, सबसे महंगे रहेंगे रिटेन्ड प्लेयर्स के रूप में 15 करोड़ के साथ। उनके अलावा दोस्तों बुमराह रहेंगे इस लिस्ट में, पंड्या रहेंगे इस लिस्ट में,
पोलार्ड भी इस लिस्ट में रहेंगे और सूर्य कुमार यादव भी रिटेन रहने वाले हैं मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हमें नीलामी में मुंबई के दिखेंगे और आपको भेजना ही पड़ेगा। दोस्तों ये जो रिटेंशन की प्रोसेस रह रही है ना, माफ कीजिए, ये एक पीठ में खंजर की तरह है मुंबई इंडियंस और मुंबई के फैंस के लिए, क्योंकि डीकॉक, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, कृणाल पांड्या, ये सारे नीलामी में दिखेंगे हमें और फिर आरटीएम कार्ड का जो रोल है वो मुंबई को प्ले आउट करना पड़ेगा। और फिर बोलता हूँ आरटीएम कार्ड की वीडियो जरूर देखेगा, हमने बनाई हुई है। तो ये मुंबई इंडियंस के रिटेंशन थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के रिटेन्ड प्लेयर्स की। राजस्थान रॉयल्स को तो बहुत जरूरी थी ये नीलामी, क्योंकि राजस्थान के कई भारतीय खिलाड़ी क्लिक ही नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके वो 5 रिटेंशन रहेंगे। उसमें स्टीव स्मिथ रहेंगे, बेन स्टोक रहेंगे, संजू सैमसन रहने वाले हैं बड़ा नाम इस लिस्ट में, राहुल तेवतिया और जोफ्रा आर्चर रिटेन रहने वाले हैं। 12.5 करोड़ रुपए में स्टोक्स को रिटेंशन सैलरी देगी राजस्थान की टीम, विच इज फॉर श्योर कन्फर्म्ड है। लेकिन दोस्तों जो बाहर जाएंगे ना उनके नाम भी सुन लीजिए, कार्तिक त्यागी, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल हमें नीलामी में दिखेंगे। ये बड़े नाम हमें बाकी तो दिखेंगे, ये बड़े नाम भी हमें नीलामी में दिखेंगे। बटलर पर तो ये डेफिनेटली आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद दोस्तों चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी की टीम की तरफ से कुछ नाम तो भाई 100% कंफर्म है, कोई बात ही नहीं करना है हमें। 4-5 नाम वैसे ही आप बोल देंगे, कोहली हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, देवदत्त पड्डीकल रिटेंशन होने वाले हैं, वॉशिंगटन सुंदर 5वें नाम जो रिटेंशन की इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर 5वें नाम इस रिटेंशन की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी इनके भी नीलामी में जाएंगे। कुछ बड़े खिलाड़ी जो आरसीबी में नहीं दिखेंगे शायद नीलामी में जाए, वो है नवदीप सैनी, क्रिस मॉरिस, एरन फिंच, शिवम दुबे, शिराज, ये सारे नीलामी में दिखेंगे। हालांकि इनमें से कुछ को आरटीएम जरूर करेगी आरसीबी की टीम। इनको दोस्तों सबसे बड़ी आरसीबी की जो प्रॉब्लम थी ना वो यही थी कि किसे रखे किसे छोड़े, और मेरे हिसाब से ये जो रिटेंशन की प्रोसेस हो रही है इसने इनके लिए बहुत सारे रास्ते अब खोल दिए हैं। ये अभी बुरा लग रहा है लेकिन आरसीबी खुश होगी नीलामी के बाद अपने फैसलों पर, आप भी इस बात को जो है लिख कर रख लीजिए। बात कर लेते हैं एसआरएच की टीम की। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ कठिन डिसीजंस होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से डेविड वार्नर 12.5 करोड़ की रिटेंशन लेंगे, उनके अलावा केन विलियमसन रिटेन होंगे, भुवनेश्वर कुमार रिटेन होंगे, राशिद खान रिटेन होंगे और टी नटराजन रिटेन होने वाले हैं। ये नाम कन्फर्म्ड है, यहाँ पर हमें किसी तरह से कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो वृद्धिमान शाह, जेसन होल्डर, मनीष पांडे, ये हमें नीलामी में दिखेंगे। मोहम्मद नबी एक बड़ा नाम होगा जिन्हें शायद नीलामी में भेजे एसआरएच और शायद फिर खरीदे ना। हालांकि अभी देखना होगा हमें कि ये जो 5 फॉरेन प्लेयर रूल है क्या ये आता है, क्या अगर ये आता है तो फिर नबी को भी एसआरएच रिटेन कर सकती है, तो वो सारी कंडीशनल चीजें रहने वाली है। तो ये 5 नाम एसआरएच के थे। तो दोस्तों ये तो थी आईपीएल की 8 टीमें और कुल 40 खिलाड़ियों के नाम, और ये नाम हमने बहुत ज्यादा हैंडपिक्ड किए हैं, और ये नाम मेरे हिसाब से जो हमने निकाले हैं, जो बहुत सारे सोर्सेस के हवाले से निकाले हैं, 95% ये कन्फर्म्ड नाम है। ऐसे ही नाम हमें रिटेंशन देखने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या पॉलिसीज और नियम आते हैं, आप भी बताइए कौन सी टीम किन्हें करेगी रिटेन। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।